पीछे आकर के जैसे टकराई ये क्या हो गया, तो पूरी बाइक ऊपर की साइड में हमारी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। श्री शक्ति अम्मा है, ये श्री शक्ति अम्मा का स्थान है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने यहाँ पर एक स्टार के आकार का पूरा मंदिर परिसर है, बीच में गोल्डन टेम्पल है, वो आपको दिखाया। अभी यहाँ से हम लोग इस साइड में वेल्लूर की तरफ जा रहे हैं। इन्हें नहीं, बिने 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 बिने। वेल्लूर इस साइड में है यार। अब उठो आज ये लेना। ये रहा हारकल, यहाँ से हार लेके आई थी, अभी कह रही और हार लेना है। मतलब सिया के वेर खातिर लेना है। सिया के लिए लेना है। मैं बहुत सुंदर लगे मम्मी, चेक ट्राई पहले मम्मी ने बता कौन है के मेरे आज जैसी बहुत सुंदर लग सी। ये हां आज इसने साड़ी पहनी है सिया ने। दादी अम्मा लग रही है, दादी अम्मा ग्रीन दादी थी। सिया ने आज साड़ी पहनी है तो इसके लिए चूड़ियां पहना रहे हैं। ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, थोड़ा छोटा। ठीक है दीदी। अभी मैं दुकान से ली ये हारिया बंधा के लाई हूं। यहाँ पे अभी भी इस टाइम पे भी केरी मिलती है, और बहुत बड़ी बड़ी केरी मिलती है, आम आम की जितनी जितनी। और इसमें नमक और मिर्ची ये मसाला लगा के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ये सबसे तमिलनाडु के पुराने शहरों में से एक है वेल्लूर। ये पलार नदी है, उसके किनारे पर बसा हुआ है, इसके अंदर से ही जाती है पलार नदी। और ये जो शहर है इसके अंदर फोर्ट बना हुआ है, जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। बहुत पुराना किला है। और ये क्या, ये एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ, ब्लैक वाली गाड़ी के अंदर ये बाइक इस तरह से जाके टकराई। हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए, गाड़ी चला रहे थे, चलते चलते अचानक वो ब्लैक वाली रुकी और पीछे से आकर के वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ समझ भी नहीं आया। चलो किले की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर सुंदर सुंदर गार्डन बने हुए हैं किले के आजू बाजू में सब जगह है, और ये नहर है किले के चारों ओर, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। बहुत सुंदर दृश्य आया है। और अब यहाँ से जो है यहाँ के किले के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जो करीब 500 साल से अधिक पुराना किला है। 500 साल ही होगा लगभग। पीछे आकर के जैसे टकराई, पिछला टायर जो उसका ऊपर हो गया। और हम इंस्टा से वीडियो बना रहे थे तो वीडियो में भी वो आ गया। बाकी मुझे एक बार जैसे देख के लगा यार ये क्या हो गया, तो पूरी बाइक ऊपर की साइड में स्टंट जैसे ही हो गया, तो ऊपर आ गई पूरा। और फिर उसके बाद हम लोग तो आगे गाड़ी वाला बाहर निकल गए, कुछ उनके आपस में क्या बात हुई पता नहीं। उसके बाद में हम लोग यहाँ आ गए। देखो ये पूरा है फोर्ट परिसर वेल्लूर का। वेल्लूर के अंदर यहाँ पर एक किला है, और ये किला परिसर के अंदर यहाँ पर देखिए ये मंदिर है। मंदिर अभी क्लोज है, खुला हुआ नहीं है यहाँ पर वेल्लूर के अंदर। इधर कोविल पर जलकंडेश्वर शिव टेम्पल। यस, ये जलकंडेश्वर मंदिर है, शिव मंदिर, लेकिन अभी खुला हुआ नहीं, कह रहे हैं कि शाम के टाइम में खुलेगा, अभी मंदिर क्लोज है। किला है और इस किले के चारों ओर इस तरह की नहर बनी हुई है, पानी है उसके अंदर सुरक्षा कारणों से। तो भाई जैसे राजस्थान में भरतपुर के अंदर जो किला था उसके चारों ओर थी ना, उसी तरह की नहर बनी हुई है यहाँ पर। ये जबरदस्त लोकेशन है, ये किनारे किनारे पर खूब सारी बुर्ज है, बुर्ज। और ये जो लेक है, जो नहर है चारों ओर बनी हुई, जबरदस्त शानदार, बहुत अच्छा। ये किला जो बहुत विशाल किला है, और इसके अंदर ये मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है, और चारों ओर किले के ये नहर और पास में इसके पुल बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। आज़ादी के आंदोलन के अंदर इस किले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उससे पहले भी अनेक टाइम पर अलग अलग राजाओं ने इसके ऊपर शासन किया है। यहाँ पर क्या है, किले की एक साइड के अंदर गवर्नमेंट म्यूजियम बना हुआ है। ये गोला है बेटा, तोप के अंदर डालने के, इतने बड़े बड़े गोले, और ये यहाँ से बारूद जाता होगा।
बारू जाने के लिए। ये इतना बड़ा गोला होता है, इस गोले को फिर इस टॉप के अंदर डाल के फिर चलाते हैं। किला किसने बनवाया था? बिल्लूर फोर्ट ये कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा? यस कृष्णदेवराय ने बनवाया था। कृष्णदेवराय और बोम्मी नायक उनका चिन्न बोम्मी नायक हुआ। चिन्न बोम्मी राय जो कि विजयनगर के राजा के अंडर में थे। यस अंडर में वही वही क्लियर लिखा है। द फोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ मिलिट्री आर्च। कल्याण मंडपम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर पीरियड। यहाँ पर जो म्यूजियम है इस साइड में, कई सारी जगह पर हम लोग चले गए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी साइड में भी एक जगह पर वहाँ पर गए थे, इस साइड में भी आ गए। उन सब में एक चीज हमने कॉमन देखी है, जो पुराने पत्थर की मूर्तियाँ वगैरह वो तो है ही है सामान रखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल जो बॉडी है जानवरों की, तितलियों की, पक्षियों की, वो बहुत देखी है इस साइड में, हर म्यूजियम के अंदर होती है। यहाँ पर एक जगह पर हमने देखा लोमाड़ी, लामड़ी लामड़ी करके, लामाड़ी इस तरह से कोई जनजाति जिनको बोलते हैं, उनकी ड्रेस राजस्थान के कुछ जनजाति राजस्थान के अंदर है उनसे मिलती जुलती हमने अभी यहाँ पर देखी। और वहाँ पर लिखा हुआ था ये जनजाति महाराष्ट्र से फिर होते हुए यहाँ पर रहेंगे। तो पहले के टाइम में ऐसा हुआ है खूब सारा, जो राजस्थान से महाराष्ट्र और यहाँ पर चलते चलते इतना चल करके आ करके फिर बस जाते थे। तो पूरा म्यूजियम हमने देख लिया, कई सारी नई चीजें और जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिली। वो गोलो बेटा ही मां लगाने में तोप आ, इतना भारी होता है और इतनी भारी है तो फिर उसको छोड़ भी देती है ना। हाँ दो और दे दो। कई बार अगर चीजें नहीं चाहिए तो भी ले लेनी चाहिए। आज चिक्कू बहुत ज्यादा सस्ते थे तो मैं 4 किलो ले आई। चार किलो लेके आगे यस यस के साथ अभी मुझे कह रहे थे यस यस बेबी यस यस Yes, baby, yes, yes, baby, yes. अब हम लोग जो है वेल्लूर से निकलने के बाद में थिरुवन्नमलई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से करीब 80 किलोमीटर का ये रास्ता है। अभी जिस रूम के अंदर पीछे हम लोग छोड़ के हैं ना, वहाँ पर ऐसा रूल था कि जहाँ गाड़ी बाहर खड़ी करी थी उसके पास में उधर ही चप्पल उतारो, और पूरे होटल के अंदर सब जगह जहाँ पे भी घूमो बिना चप्पल के अंदर घूमना था। तो फर्श पूरा पूरा ठंडा था। मल्ली 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 थिरुवन्नमलई हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, अब मैंने क्या है कि आने के बाद मैं पूरी डाटा कॉपी कर रहा था, तब मैंने इस वीडियो को जो वहां पर एक्सीडेंट देखा था बाइक वाला, मैं पास में से जा रहा था और मुझे उस टाइम पता चला कि ये बाइक जो इस गाड़ी के पीछे आके टकराई है, इतना ही पता चला। फिर हम लोग वहाँ से निकल के आ गए। अब मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ तो तब मुझे पता चला है कि ये जो बाइक सवार जो गाड़ी चला रहे हैं वो तो हमारी गाड़ी की तरफ या शायद मेरी तरफ अंदर इधर देखते हुए आ रहे थे। हाँ। तो तब जो ध्यान उनका हमारी तरफ था तो सामने गाड़ी वो सामने वाली रुकी, ब्लैक वाली गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया। अब क्या पता ये हमें क्यों देख रहे थे, या हमारे फैन थे, सब्सक्राइबर थे, या बाहर की गाड़ी देख रहे थे कि भाई ये राजस्थान की गाड़ी यहाँ कैसे ऐसे, अब राम जाने ये देख क्या रहे थे। लेकिन प्लीज आप ऐसा ना करें। मैं तो मैंने कैमरा पकड़ रखा था, मुझे तो पता ही नहीं चला, सिर्फ इनको पता चला था कि कुछ हुआ है। ये से बोल रही थोड़ी सी गाड़ी को पीछे से, बस ये थोड़ी सी दिखी मुझे, तो मुझे क्या पता ये हमारी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। हम लोग तो वहां से निकल रहे थे, अब हम भी इसमें क्या करें, हमें क्या पता वो कौन थे क्या थे। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इस तरह से। अगर आप फैन या सब्सक्राइबर भी हो और कभी इस तरह से आ रहे हो जा रहे हो, तो पहला अपना गाड़ी अगर चला रहे हैं तो सामने ध्यान रखना चाहिए। जो गाड़ी चलाते टाइम गाड़ी पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर जैसी टकराई गाड़ी, पीछे से बाइक का पहिया जो ऊपर हो गया, ये इस तरह का मैंने सोचा ये स्टंट की तरह ऐसे कैसे हो गया। मैंने कभी ऐसे देखा नहीं लाइव किसी को स्टंट करते हुए, मैंने ऐसे बाइक वाले को देखा नहीं, मैंने कहा ये कैसे हो गया। अभी क्या है, आज खाना खाने के लिए पास में यहाँ पर एक राजस्थानी फैमिली है, उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ में खाना खाइए, इन्वाइट किया, तो वहाँ जा रहे हैं। हम पहले से देखते हैं, मेरे को बहुत पसंद है। हां बोली जरूर आसी क्या सपोटो मंदिर मैं को बोले जासी तो अपन मिला सी, बाकी खुशी बहुत है मन के तांदे क्या ने मर दिल गवे नहीं आ, मतलब कम घर आने बाद 10 मिनट बोली नहीं बोली नहीं, फिर बस सब कर मैं सब ने बधाई दे रहे हैं। हमारे आज एक बहुत ही बड़ा गेस्ट है घरे, फिर ले कौन है मैं को देखोगे, मैं बोलिया कौन का कितना मिलियन, मैं को मिलियन इन मिलियन सब भारे
बाकी मारे तो आज ही है मारा आत्मा में जुड़े आज ही लेकिन जानो ना बे तान जाने ना को ना मैं जी जी गई मैं कह तो हर के लिए क्या सी मैं को यार वो तो घरे तो मैं को बात होगी नहीं आपस में जान गया तुझे ताकि अनजान आदमी है वो मिल गया आज तो इतनी मीठी वीडियो कॉल कर रहा है ले रहा हूँ मेरे ले रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया हमें आए हुए बातें करते हुए और अभी बैठ के हम खाना खा रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के ये हमारे अपनी साइड का कोई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है रातू जी बारी के ये एक्चुअली है सरदार सर के पास में भर ले रही माने तो देखो इतनी खुशी सोच ही कर पाओ जिंदगी में कभी कभी बहुत गर्व महसूस कर रहा करते हमारे घर आया कारो मिलने की चाहिए बाप भोलेनाथ पूरी कर दी बहुत बहुत धन्यवाद है मैं तो रात को 12 बजे तक देखूंगी पूरा सारा दरगाह सो जाए पर मैं नहीं अभी हम लोग यहाँ पर इस फैमिली के साथ में आए आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा हमें भी बहुत अच्छा लगा अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा माहौल भी बहुत अच्छा एकदम अपने गांव जैसा ही आप यूट्यूब पर फैमिली जैसे ही है भगवान वास्ता करा के हम चैनल दिन दोगुनो रात चौगुनो तरक्की करे फुल लाइक कर शेयर से दिन रात करता रहो तुम ना धन्यवाद आप सबका आशीर्वाद है मारो तो आशीर्वाद हो यह मैं तो ब्राह्मण पंडित हाँ मौज करो थे बस बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू चलिए ठीक है दोस्तों अब हम लोग खाना खा करके आ गए और फैमिली से मिलकर गया के बहुत अच्छी फैमिली है राजस्थान से काफी सालों से वो बता रहे थे कि यहाँ पर रहते हैं रात के 11 बज गए ये वीडियो एडिट करें चलो ठीक है मुझे करना ही है मैं और अगर आप नए हैं तो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कमेंट शेयर करें थैंक यू मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर